हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी तक हमने एक तो आपका एसटीआर कंप्लीट कर लिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसी यूनिट का सेकंड टॉपिक डिराक डेल्टा फंक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बुक फॉलो करके एसटीआर के न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। बहुत सारे सोल्व एग्जाम्पल हैं उसमें, ठीक है, तो आप उनको सोल्व कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप बुक से अगर एग्जाम्पल सोल्व नहीं करते हैं या अभी आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास लास्ट 5 ईयर्स के पेपर अरेंज कर लीजिए या 5 या 6 ईयर्स के पेपर, और उसमें एसटीआर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं आप उन्हें सोल्व कीजिए। अगर किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो आप उसकी पिक लेके हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, हम उनके सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा देंगे। और अगर आपको यूं लगे भी आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें लिख के भेज दीजिएगा, हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए, आप भी देख रहे हैं कोरोना काल थोड़ा सा लंबा चलता जा रहा है, ऑफलाइन सिस्टम ओपन होने के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, तो ऐसे में थोड़े को ज्यादा समझे, चिट्ठी को तार, ऑनलाइन से कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ले पाए। ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा वो इंपैक्ट अलग आएगा, कोई बात नहीं, पर जब तक नहीं है, हाड़ोती में हमारे एक कहावत है, न मामासु काणो मामूछो को, कुछ नहीं से तो जो मिल रहा है वो आपके लिए काफी है, आपकी कम से कम रनिंग बनी हुई है पढ़ने की, ठीक है। अब देखिए, डिराक डेल्टा फंक्शन हमने कर लिया कंप्लीट, हमने एसटीआर कंप्लीट कर ली, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अब जो इसी यूनिट का एक छोटा सा पार्ट और है आपके पास, फूरियर सीरीज या फूरियर थ्योरम, फूरियर प्रमेय या फूरियर श्रेणी। अब सबसे पहले तो हम इसी पे बात करते हैं कि भाई ये है क्या, क्यों कर रहे हैं। मैथमेटिकल टॉपिक है आपके, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है करने की, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी कि हमें कुछ नया सोचना पड़ा। फूरियर आपके साइंटिस्ट नए में आप जानते हैं कि फूरियर को एक सीरीज देनी पड़ी या एक थ्योरम देनी पड़ी, लेकिन उस सीरीज को देने की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पियानो हुआ, आपका गिटार हुआ, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसियों का कॉम्बिनेशन होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, देखा है ना आपको, आप अलग अलग नहीं बता सकते, आपको एक साथ काफी सारे सुर सुनने में आ रहे होते हैं जब आप उनको बजा रहे होते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम प्ले करते हैं ना, तो एक साथ बहुत सारे, ये आपने ये वाला स्विच भी दबाया, ये बटन दबाया, ठीक है, जो भी प्रोसेस है आपका, तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, जो साउंड निकल के आ रहा है, वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसियों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड निकल के आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसियां हैं वो सम्मिश्र हैं, बहुत सारी मिली हुई हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। इन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज को एग्जामिन करने के लिए, समझने के लिए, इन पर कैलकुलेशन करने के लिए फूरियर साइंटिस्ट ने एक सीरीज दी आपको। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, फूरियर सीरीज या फूरियर थ्योरम कहते हैं, ओके? अब क्या किया फूरियर साहब ने, फूरियर साहब ने देखो क्या किया कि जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज निकल के आ रही थी, उन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज को इनफाइनाइट सिंपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज, सरल आवर्त सरल आवर्ती आवृत्तियों का कॉम्बिनेशन माना, सिंपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन माना, तो उनको एक इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज की सीरीज में शो किया, जो कैसी थी, सिंपल हार्मोनिक। अब सरल आवर्त गति आप जानते हो कैसी होती है, टू एंड फ्रो, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, दो पोजीशन हो सकती है कि जो आपका ऑक्सीलेशन जो स्टार्ट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर इधर मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो होगा। जब x, जब t इक्वल्स टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो,
तो फंक्शन कौन सा यूज लेते हैं, मैंने आपको बता रखा है साइन, क्योंकि जब आप साइन का ग्राफ खींचते हो तो कहां से स्टार्ट होता है, टी इक्वल्स टू जीरो पे, जीरो से। और एक पॉसिबिलिटी होती है कि पहले से आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम, टी इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का ग्राफ टी इक्वल्स टू जीरो पे किसका होता है, कॉस का। और एक पॉसिबिलिटी और है कि ना तो साइनोसोइडल मिल रही हो ना कोस की फॉर्म में मिल रही हो, कुछ नहीं हो, जो फ्रीक्वेंसी मिल रही हो कैसी मिल रही है आपको, कांस्टेंट मिल रही हो। जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपको वो कैसी मिल रही हो, कांस्टेंट मिल रही हो। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसीज के लिए तीन पॉसिबिलिटी है, या तो कांस्टेंट, या सिंपल हार्मोनिक है तो साइन और कोस की फॉर्म में होगी। तो फूरियर ने आपके यही किया है कि जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज मिल रही थी उनको इनफाइनाइट सिंपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की टर्म में रिप्रेजेंट किया है, और रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक मैथमेटिकल सीरीज दी है, श्रेणी दी है, दैट सीरीज इज नोन एज फूरियर सीरीज। और फूरियर सीरीज आपके होती क्या है, देखिए फूरियर सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल्स टू ए नॉड प्लस समेशन ए एन साइन एन ओमेगा टी, वेयर एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट प्लस समेशन बी एन कोस एन ओमेगा टी एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। देखिए आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज है, सॉरी जीरो नहीं, जीरो टर्म कॉन्स्टेंट में चली गई, एन इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट, ये पॉसिबिलिटीज है। अब या तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कॉन्स्टेंट मिलेगी, या ये टर्म जीरो हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा मिलेगा, कॉन्स्टेंट होगा और साथ में साइनोसोइडल भी होगा। और अगर ये जीरो हो जाए तो जो कॉम्बिनेशन होगा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, साथ में कोस की फॉर्म में भी मिल रहा होगा, या हो सकता है तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिल रहे हो, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो बन रहा है। तो फूरियर ने यही किया कि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी जो निकल के आ रही थी उसको सिंपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की इनफाइनाइट टर्म की सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया, और दिस सीरीज इज नॉन एज फूरियर सीरीज। ये जो आपके मिल रही है दिस इज नथिंग बट फूरियर सीरीज, इसी को आप फूरियर थ्योरम कहते हो। हियर यहां ए नॉड कोमा ए एन एंड बी एन आर फूरियर कॉन्स्टेंट्स। यहां पर क्या है, ए नॉड ए एन बी एन ये सब क्या है, फूरियर कॉन्स्टेंट है, फूरियर नियतांक है। अब जब हम इसकी एप्लीकेशंस पे आएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम गिवन होगी, उस प्रॉब्लम के लिए आपको इनकी ही वैल्यू फाइंड करनी है, ए नॉड ए एन और बी एन की, इनकी वैल्यू फाइंड करके हम कहां रख देंगे, यहां सीरीज में रख देंगे, और फिर हम समेशन खोल देंगे। समेशन खोलने के बाद जो सीरीज मिलेगी वो क्या होगी, आपके पास फूरियर सीरीज होगी। तो हमारे लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्या कि हम ए नॉड ए एन और बी एन के मान कैसे निकालें, ठीक है, और जब मान आ जाएंगे, फॉर्मूले आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आपको जो प्रॉब्लम गिवन है उस गिवन प्रॉब्लम के लिए ये कोफिशियंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स नहीं, सॉरी कोफिशियंट्स, ये फूरियर कोफिशियंट्स हैं। अब एक बात और कि ये जो आप फूरियर थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हो, क्या हम हर तरह के फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं या कर सकते हैं, नहीं, आप फूरियर सीरीज केवल उन्हीं फंक्शंस उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के लिए फाइंड कर सकते हो जो सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस
एंड फाइनाइट हो। कैसी हो? एकलमानी हो, मतलब एक्स के एक मान के लिए आपको फंक्शन की एक ही वैल्यू मिल रही हो। फाइनाइट हो मतलब इंफिनिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इंफिनिटी पे जाके सीरीज क्या हो जानी चाहिए आपके? जीरो। और कंटिन्यूअस, सतत हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपको प्रॉब्लम गिवन होती है उसका जो ग्राफ बन रहा होता है वो ग्राफ आपके कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसके फिक्स जो अंतराल होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं लेकिन ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब एसी पढ़ी है तो एक एसी आपने इस तरीके भी पढ़ी है जिसको आप बोलते हो वर्गाकार। अब ये देखिए, ये आपका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि यहां से यहां तक एक्स की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं आपको फंक्शन की, लेकिन इसके जो ये फिक्स्ड अंतराल हैं, ये अंतराल कैसे हैं आपके पास? कंटिन्यूअस है। तो हम ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इनके लिए भी फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे प्रतिबंधों जो फिक्स अंतराल के लिए, ऐसे ग्राफ जो फिक्स अंतराल के लिए कैसे होते हैं आपके? कंटिन्यूअस होते हैं। इनके लिए जब फूरियर सीरीज फाइंड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिरिचले प्रतिबंध। डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है? कि डिरिचले ने क्या कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही फूरियर सीरीज फाइंड कर पाओ, आप ऐसे फंक्शन के लिए भी फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं जो एक फिक्स अंतराल के बाद कंटिन्यूअस हो, या फिक्स अंतराल मिल रहे हो कंटिन्यूअस के एक फिक्स गैप के बाद, हम उसके लिए भी फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है आपके डिरिचले कंडीशन। तो ध्यान रखना, फूरियर सीरीज किस फंक्शन की निकाल सकते हो आप? जो कैसा हो आपके, सिंगल वैल्यूड हो, एकलमानी हो, कंटिन्यूअस हो, सतत हो, फाइनाइट हो, परिमित हो, या फिक्स अंतराल में कंटिन्यूअस हो, जिसको हमने क्या कहा है? डिरिचले कंडीशन। तो अब हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या है कि ये तो हम जो ग्राफ बनेगा आपके, प्रॉब्लम जो गिवन होगी उसका ग्राफ देख के हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ कंटिन्यूअस आ रहा है या फिक्स गैप में कंटिन्यूअस आ रहा है। अगर वो पता आपको चल भी गया तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है आपके पास? ए नॉड, ए एन और बी एन की रिक्वायरमेंट है। ये आपको फाइंड होने जरूरी है। ये जैसे ही आपको मिल जाएंगे आप इनकी वैल्यूज यहां पुट करके समीशन ओपन कर दोगे उस प्रॉब्लम के लिए। जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज क्या होगी आपके पास? फूरियर सीरीज होगी। तो ध्यान रखना, कंडीशंस तो मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा नोट्स बनाते टाइम लिख लो, फिर आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है? देखो, कंडीशंस फॉर फूरियर थ्योरम, फूरियर प्रमेय के लिए प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है? फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यू। फलन कैसा होना चाहिए आपके पास? एकल मनी होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड मीन्स एकल मनी, ठीक है? सेकेंड, फंक्शन शुड बी फाइनाइट। कैसा मिले आपको? परिमित मिले, ठीक है? एंड थर्ड, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। ये आपके फूरियर सीरीज फाइंड करने के लिए कंडीशंस है, और इस कंटिन्यूअस वाली में ही एक और है जिसको हमने कहा है कि अगर कंप्लीटली कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है, फिक्स गैप में, फिक्स अंतराल में कंटिन्यूअस मिल रहा है, वहां भी आप फूरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट कंडीशन इज नॉन एज डिरिचले कंडीशन। ठीक है?
ठीक है, नोट्स में आपको सिस्टमेटिकली मिलेगा। तो आप अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में जो हमने कोफिशियंट लिए हैं आपके एनोड एन बी एन, हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि इनकी वैल्यूज कितनी आती हैं या इनके फॉर्मूला क्या आ रहे हैं, ताकि जब हम प्रॉब्लम सोल्व करें तो हमें हेल्प रहे कि इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।